नमस्कार, न्यूज 18 सहरसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज अल। बिहार का एक ऐसा गांव जो मोड़ के नाम से जाना जाता है, जो मोड़ के नाम से गांव प्रसिद्ध है। जी हां, यह गांव सहरसा जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित आरन गांव है। सत्र कटैया प्रखंड अंतर्गत ये आरन गांव में अगर आप प्रवेश करेंगे तो खेत खलियानों में आपको मोर और मोरनी आपको दिखाई पड़ेगा। और ये सुंदर तस्वीर, ये सुंदर क्षण की तस्वीर देखने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं और इस गांव में दूर दराज से भी लोग आते हैं और इस मोर की एक झलक पाने के लिए लोग अपने कैमरे में वो तस्वीर कैद करते हैं। और हमने ये तस्वीर कैद की है इस आरन गांव में पहुंचने के बाद। और जब इस आरन गांव में हमने प्रवेश किया और जब इस खेत खलियानों में हमने देखा तो वहाँ पर मोर और मोरनी झूमते नज़र आ रहे थे। एक खेत खलियानों में घूमते नज़र आ रहे थे, झूमते नज़र आ रहे थे। और ये सुंदर सी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं आरन गांव की। किस तरह से ये तस्वीर देखिए, आपको हम बता दें कि ठीक 25 साल पहले इसी गांव के रहने वाले कारी झा ने पंजाब से एक जोड़ी मोर और मोरनी को लाया था, जो फैलकर अब जो है तकरीबन 500 की संख्या में मोर और मोरनी की संख्या 500 से अधिक हो चुकी है। जो तस्वीर आपको हम आरन गांव की दिखा रहे हैं, यहां के लोगों की माने तो इस गांव पर ना तो अब तक किसी प्रशासनिक की नज़र गई है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान गया है। मोर यहां से 20-25 साल पहले आया था। हमारे एक चचेरा भाई थे अभिनंदन कुमार और कारी झा, उन्होंने ही मंगवाया था, पोस पाल के बड़ा किया और बड़ा होते होते अब पूरा गांव में विकसित हो गया। अभी 300-400 मोर है इस गांव में, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से, वन विभाग की तरफ से उसका कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। यहाँ तो मोर के बारे में हम कुछ नहीं देख रहे हैं हम लोग। अभी क्या स्थिति है? अभी मोर अपना गांव घर में वृक्ष होकर पर फल फुलवाड़ी में अपना खाता पीता है, आंगन डेरा में आता है, लोग उसको कुछ देता है खाने के लिए, बस यही व्यवस्था है। ये पहला बिहार का ये पहला गांव हो सकता है कि इतने इतनी मोर मोरनी आपको? हाँ, इस बार गांव वाले ने रेस्ट्रिक्शन किया हुआ कि कोई मोर को टच नहीं कर सकता। तो कोई मोर को टच नहीं कर? नहीं, उस पर बहुत प्रतिबंध है। अच्छा, ये बताइए जनप्रतिनिधि का क्या ध्यान रहता है यहाँ पे? उसके ऊपर पर कोई खास ध्यान नहीं है। तो जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं? कोई खास ध्यान नहीं है। अभी अब क्या स्थिति है इलाके की, जब लोग घूमने के लिए आते हैं? तो लोग घूमने के लिए आते हैं तो बाजार में जाते हैं, जंगल में अपना घूम फिर के देख सुन के चला जाता है। तो गांव वाले मोर को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता, नहीं करेगा, न करता है, कितना भी क्षति करे तो भी गांव वाले कुछ नहीं करता। क्या नाम है? हमारा नाम जोगिंदर यादव है, जोगी बाबू जो हुआ करता गाँव में। कई बार आश्वासन दिया गया, जो यहाँ के स्थानीय जो यहाँ के विधायक रह चुके पूर्व विधायक कह सकते हैं अरुण कुमार यादव ने कई बार इस गांव को विकसित करने का आश्वासन दिया, लेकिन यह गांव आज तक विकसित नहीं हो पाया। इसके अलावा जो वन विभाग के द्वारा भी लाखों रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है, 2020 की रिपोर्ट की माने तो तकरीबन जो बताया जा रहा है कि वन विभाग के द्वारा तकरीबन 9,76,000 रुपये खर्च किया गया है और इस विकसित गांव को विकसित करने के लिए मोर संरक्षण पर खर्च करने के लिए ये किया गया था। लेकिन यह तस्वीर देख लीजिए आप, गांव की ना सूरत बदली, ना ही यहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की गई, लेकिन इस गांव में अभी भी लोग दूर दराज से घूमने आते हैं, इस मोर की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब बने रहते हैं। और जब हमने ये तस्वीर कैमरे में कैद की तो देखिए किस तरह से मोर भी आपको जो है झूमते हुए आपको नज़र आ रहा होगा, किस तरह से मोरनी आपको अपने पंख के सहारे किस तरह से लोगों का मन मोह रही है। और ये तस्वीर, सुंदर सी तस्वीर आरन गांव में आपको देखने को मिलेगा।